लेट मी का प्रयोग माने इम्परेटिव सेंटेंस पढ़ रहे हैं ना। आ जाओ को बढ़िया से तैयारी कर लो बाबू। इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाना जब का आया हो लेट में आया इनडायरेक्ट बनाना जब लेट में आया का आया हो लेट में आया। सुनो इधर ध्यान दो, मैं आपको बता दूं कि जब भी आपको वाक्य में लेट मी मिले तो सुनना बाबू रिपोर्ट है स्पीच के शुरुआत में लेट मी एकदम नियम सीखो। जो बच्चा नहीं बना पा रहा है मुझे खेद है कि आपको नहीं सिखा पा रहे हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करो कि सीख जाओ। समझ रहे हो, जब भी आपके पास लेट मी आएगा तो हम लोग लेट को कभी नहीं हटाते हैं, बात समझना। लेट को क्या करते हैं, कभी नहीं हटाते हैं। लेट के पहले इनडायरेक्ट जब बनाते हैं तो टू का प्रयोग करते हैं, लेट लिखते हैं और इसको सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। किसके अनुसार, अगर मी है तो किस में चेंज कर देंगे, ही में, तब टू तब लेट तब ही में चेंज कर देते हैं मी को। का बात समझे, हमने कहा कहा कि लेट के पहले टू लगा देंगे तब लेट लगा देंगे, मी को किस में चेंज कर देंगे, ये नियम होता, बात समझ रहे। अच्छा चलो अब आ जाते हैं हम लोग इसको हल कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए जैसे किसी ने कहा कि ही, देखो पहले इसका तो कहीं नियम लिख लेना, नियम लिख लो कि जब रिपोर्टेड स्पीच, अच्छा रिपोर्टेड स्पीच जानते हो ना, डबल इंटर कमा के बीच में जो रहता है, खूब बढ़िया से तैयारी कर लो। जब रिपोर्टेड स्पीच में लेट मी आया हो, लेट मी आया हो तो लेट को कभी नहीं हटाते हैं, कभी नहीं हटाते हैं। लेट के पहले टू का प्रयोग करते हैं तथा लेट के पहले टू का प्रयोग करते हैं, लेट के पहले टू का प्रयोग करते हैं, ये इसका रूल है। माय लेट को कभी नहीं हटाते हैं और हमेशा लेट के पहले किसका प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग। तो देखो नियम क्या होता है, अच्छा आज तने को छूट गया ना, सैड टू को हमेशा रिक्वेस्टर में बदल देते हैं, मैंने वाक्य के भाव के अनुसार सैड टू को वाक्य के भाव के अनुसार बदल देते हैं, बदल देते हैं। अधिकतर साइड टू को रिक्वेस्टर में बदल देते हैं, रिक्वेस्टर में बदल देते हैं। चलो बनाने का नियम चल जाओ। तो पहले क्या लिखिएगा, सब्जेक्ट इनडायरेक्ट माने नियम बता देते हैं। पहले आप लिखिएगा सब्जेक्ट और तब क्या लिखेंगे, रिक्वेस्टेड प्लस माने अधिकतर रिक्वेस्टेड में चेंज करें, तो अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट और तब हम लोग टू लिखते हैं, लेट को तो कभी हटाते नहीं है, ऐसे ही लिख लेना। तब जो अन्य शब्द होगा उसको लिख देते हैं, मी अमी में आ जाएगी, जो अन्य शब्द है ना उसी में आ जाएगा मी, लेट के पहले टू आ जाएगा और बाकी सब अन्य शब्द लिख देंगे, मी वगैरह जो होगा चेंज है। ये नियम आपका है इम्परेटिव सेंटेंस, बस क्या होना चाहिए ना, लेट मी आना चाहिए, बस लेट ऐसा आता है तो लेट को हटा देंगे। डेट का प्रयोग कर रहे थे कल, नियम आपको पढ़ाया गया था, आप कल किताब आज किताब जाए तो कोई खरीद लीजिए, ठीक है, खुद चले जाइए खरीदने के लिए, चलिए ये रूल आप करा, पढ़ाई करना तो जाना पड़ेगा ना, घर के भरोसा रहेंगे तो कुछ नहीं, मिटाएं इसको।
अब आओ कुछ वाक्य को देखते हैं हम लोग एग्जाम्पल में. He said to me. मानो हम मुझसे कहा. said to माने क्या होता है कहा कि लेट मी प्ले क्रिकेट. मी माने होता है मुझे. मुझे क्रिकेट खेलने दो. मुझे क्रिकेट खेलने दो. He said to me, लेट मी प्ले. अच्छा सब लोग बना सकते हैं. साइड को किसमें चेंज करना है. चेंज कर दो यार क्या दिक्कत है इसमें. ही रिक्वेस्टेड. मी लिख लो. टू लिख लो. लेट लिख लो. हिम में चेंज कर लो. कहा कि मी जानवा नु सब्जेक्ट कौन सा. अरे बाबू फर्स्ट पर्सन है ना. अरे सन बटा 123 का यूज करो. जो नहीं जानते जान जाइए कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट कौन सा. सब्जेक्ट ही है तो ही हाई ही कब ना चेंज होगा. लेकिन हाउ जानवा आई चाहे मी चेंज होता है. ही मैं बाकी सब ऐसे लिख लो. प्ले क्रिकेट आसान है ना. बहुत बहुत सिंपल है. एक और देख लो. ही सेड टू मी लेट मी गो होम. अच्छा जितना आप पढ़ रहे हैं ना एक एक मिनट याद रखिएगा. बहुत अच्छा लगता है. ही सेड टू मी लेट मी गो होम. चलो मी को किस में चेंज करना है. सेड टू किस में. ही सेड टू किस में चेंज करेंगे. रिक्वेस्टेड में. आता रिक्वेस्टेड तब हो जाएगा मी. टू लिखा. टू लेट हिम गो होम. He requested me to let go. Let him go. बन गया. बाकी आपका एक्सरसाइज में दिया उसको बनाइए. किताब है ना इसमें देख लो बना दे. ठीक है. जेनरेशन था. आज हमने लेट मी का प्रयोग पढ़े. रहने दीजिए. एक्सक्लेमेटेशन टेंस का ऊपर.